हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी आ चुका है। हम लोग सोचते हैं भगवान के लिए अच्छा अच्छा प्रसाद बनाएं। तो फ्रेंड्स, आज हम आटे के चूरन का मोदक बना के दिखाएंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है और झटपट शुद्ध प्रसाद घर पे तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। गेहूं के आटे से मोदक बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है एक कटोरी गेहूं का आटा, कुछ मिक्स ड्राई फ्रूट्स, गुड़ जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लिया है, और 2 बड़ा चम्मच देसी घी। तो सबसे पहले हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हमने एक कढ़ाही ले लिया है, गैस को ऑन कर लेंगे। कढ़ाही गर्म हो चुकी है, अब हम उसमें देसी घी डाल देंगे। तो ध्यान रहे, मोदक देसी घी में ही स्वादिष्ट होता है। थोड़ा सा हम घी बचा लेंगे जिससे हम मोदक मोल्ड ग्रीस करेंगे। घी को अच्छे से मेल्ट होने देना है, ज्यादा गर्म नहीं करना है, हमें जस्ट इसे मेल्ट होने देना है। तो हम एक चमची से हिलाते हुए इसे मेल्ट कर लेंगे। घी मेल्ट हो चुका है, अब हम उसमें आटा डाल देंगे और इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए चूरन के आटा जैसे ब्राउन होने तक भूनना है। आटा अपना 50% भून चुका है, अब हम इसी में डाल देंगे ये ड्राई फ्रूट्स। इससे क्या होगा, अलग से हमें ड्राई फ्रूट्स भूनने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये चूरन के साथ अच्छे से भून जाएगा। आप अलग से भी भून के डालिए, पर ये भी एक ट्रिक है जिसे हम अच्छे से ड्राई फ्रूट्स भून सकते हैं, क्योंकि बाद में हमें मिक्स ही करना होता है। तो हमने आटे को घी के साथ 10 से 12 मिनट तक भूनना है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आटा भून चुका है, इसका कलर देखिए, घी छोड़ना भी शुरू कर दिया है। अब हमें इस स्टेज पे क्या करना है, गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेना है और इसे रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने के लिए रखना है। पर हम इसे चलाते हुए ठंडा करेंगे या तो किसी दूसरे प्लेट में ट्रांसफर करके ठंडा करेंगे। तो अब हम कढ़ाही से आटे को एक प्लेट में निकाल ले रहे हैं। इसकी खुशबू बहुत सुंदर आ रही है और मोदक भी बहुत बढ़िया बनकर तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं हमने थाली में आटे को निकाल लिया है, हल्का सा ठंडा हो गया है, ज्यादा ठंडा भी नहीं करना है। अब हम इस स्टेज पे बारीक तोड़ा हुआ गुड़ डालेंगे। तो यहाँ पे आप तोड़ के बिल्कुल छोटा छोटा गुड़ डालिए और दूसरा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, ज्यादा मीठा पसंद है तो गुड़ की मात्रा बढ़ा दीजिए। अब हम एक स्पून की मदद से गुड़ को ऐसे चुड़मे के साथ मैश देंगे, ये आसानी से हो जाता है। तो ऐसे हम चम्मच से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं चूरन के साथ हमने गुड़ को अच्छे से मैश लिया है। इस स्पून की मदद से पूरा गुड़ के टुकड़े को हमने चूरन के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। यही स्टेप मेन है इसका। और एक कलर आप देख सकते हैं प्रसाद का कितना सुंदर आया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने ये थोड़ा सा घी बचा लिया था और एक हम मोदक मोल्ड लेंगे। तो हम मोल्ड को ओपन करेंगे और ग्रीस कर लेंगे। हमने घी से मोदक मोल्ड को अच्छे से ग्रीस कर लिया, अब हम इसे क्लोज कर लेंगे और एक स्पून की मदद से हम मोल्ड में थोड़ा थोड़ा अपना ये पेस्ट डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे और इसको हम ऐसे दबा देंगे। इससे मोदक का शेप बहुत बढ़िया से उभर कर आता है। फिर हम थोड़ा सा लेंगे और ऐसे डाल देंगे। फिर हम अंगूठे से प्रेस करेंगे,
इम्प्रेस करने का रीजन है कि मोदक अच्छे शेप में निकल के आएगा। तो हमने लास्ट पॉइंट तक अच्छे से डो को भर लिया है। तो चलिए हम इसे अब डीमोल्ड करते हैं। इसको हम सीधे से ऐसे डीमोल्ड करेंगे। ये थोड़ा सा सावधानी से करना होता है। तो आपको मैं घुमा के दिखा दे रही हूँ कितना सुंदर शेप में अपना आटे के चूरन का मोदक तैयार हुआ है। देखने में सुंदर, प्रसाद स्वादिष्ट हो तो भगवान को बहुत प्यारा लगता है। तो चलिए हम दूसरा भी मोदक बना के दिखाते हैं। स्पून से हम थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं, अंगूठे से हम अंदर की तरफ प्रेस कर देंगे, क्योंकि भर जाने के बाद ऊपर की तरफ नहीं पहुंच पाता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डाल के और इसको प्रेस कर लेंगे, फिर हम थोड़ा थोड़ा डालते हुए और ऐसे प्रेस कर देंगे। बहुत आसानी से बन जाता है। मोदक मोल्ड बाजार में कितने तरह के आ रहे हैं, आपको जो सुविधाजनक लगे वो ले आइए और घर पे आसानी से प्रसाद तैयार कीजिए। चलिए हम इसे डीमोल्ड कर दें। तो ऐसे हम बीच वाले पॉइंट को हटाएंगे और आसानी से मोदक को निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये दूसरा मोदक भी कितना बढ़िया शेप में तैयार हुआ है। तो चलिए हम ऐसे ही बाकी के मोदक तैयार कर लेते हैं। मोदक बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, इस गणेश चतुर्थी पे आप भी आटे चूरन का मोदक बनाइए और भगवान को टेस्टी टेस्टी प्रसाद अर्पण कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।